क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. देन मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस विच स्पीड. चलिए, तो जो चार्ज है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, वेव जो है एक्स में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ये अपन जानते हैं, है ना. वेव की इक्वेशन देख करके ऐसा समझ पा रहे हैं. माइनस एक्स है मतलब एक्स में तो प्रोपेगेशन है, ई दे रखा है वाई में है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इधर होगा. चार्ज पार्टिकल जो है वो किधर जा रहा है, वो जा रहा है अलोंग वाई एक्सिस. तो ऑलरेडी वी और बी परपेंडिकुलर हो गए. तो फोर्स जो होता था मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, तो बहुत इत्मीनान से उसको क्यू वी बी लिखा जा ही सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. क्यू दे रखा है, टू ई है, तो 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ वेलोसिटी भी है क्या मेरे पास, 3 × 10⁷ और बी, बी नहीं गिवन है. तो बी नहीं गिवन है तो अपन ये लिख सकते हैं, देखो मैग्नीट्यूड में रिलेशन होता है कुछ, बी इज इक्वल्स टू ई बाई सी, ये एम्पलीट्यूड में रिलेशन है, तो बी नॉट आ जाएगा सीधे सीधे कहां से, ई नॉट बाई सी करके. ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 600 बाय 3 × 10⁸. तो ऐसा कुछ है, और क्योंकि मैक्सिमम ही पूछा है इसलिए बी की मैक्सिमम वैल्यू ही रखी है हम लोगों ने. अगर मेरे को ये चीज मैक्स चाहिए तो ये क्या होना पड़ेगा, फील्ड भी कैसा होना पड़ेगा, मैक्स ही होना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁷ और ये 8 से इतना चला गया. तो मेरे पास जो फाइनल बात बच गई है वो बच गई है 2 × 1.6 × 6 × 10⁻¹⁸. एस अब इतने ही कुछ −16 −17 में ही अपने को आंसर्स दिए गए. तो 2 × 1.6 × 6 19.2 19.2 × 10⁻¹⁸ आता है. तो यानी कि ये तो गलत हो गया, ये गलत हो ही गया, इसको चेक कर ले. अच्छा, इसको ऐसा पावर माइनस 17 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1.92. तो बी ऑप्शन जो है एब्सोल्यूटली करेक्ट.